अभी अभी याद आया कि व्लॉग शूट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक काम करना, शूट कर लो, मुझे दे देना, मैं डालूंगा अपने चैनल। हाँ क्या जरूरत है डालने की व्लॉग में? चुप, वीडियो बनाओ फिर एडिट भी करो फिर इसको दे दो, इसे डालेगा। 16-17-20 सेकंड की वीडियो, 10 सेकंड तुम काटना, 10 सेकंड मैं काटूंगा, ठीक है? वाह वाह, अपने फोन में छोड़ लिए, छोड़ लिए, बाकी तुझे पीछे कर दूंगा। फिलहाल फ्रंट एंड एंड डोंगल पासिंग कर दूंगा, ठीक है? अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में। शॉट 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 शॉट। और इसकी बाइक है यू, जो कि राइड देने वाला है। इसकी आवाज सुना तो हमें। ओके कला से फ्रंट एंड आउट, फ्रंट एंड आउट, डोंगल तक आउट, तो क्योंकि मुझे बोला गया था कि मुझे लिपसिंग करनी है, तो मैं कल गाना याद कर रही थी, और आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने एक बार लेंस लगाने को ट्राई किया पर पूरा लेंस टूट रहा था राइट वाला। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, इतना टाइट टाइट लोग बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं जा रही होगी मेरी, पीछे बहुत आवाज हो रही है ना, मेरे से ज्यादा टच अप हेयर के लिए सिद्धार्थ को लग रहे हैं। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, बाल खराब हो जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे ज्यादा लंबे बाल हैं, पर मेरे ज्यादा टच अप आपको लग रहा है। छोटे पर जल्दी अबे गौरव भाई, एक आधी हाई नोट दे दो ऐसे यार, अच्छी सी बाल खराब हो स्टाइल नहीं बने, तो मैं ऐसे चोटी बांध के लगनी चाहिए ना, वो अली की स्टाइल है। एनीवे बहुत डस्ट है और आंख में बार बार जा रहा है और बारिश होने वाली है, ऐसे आसार लग रहे हैं, क्योंकि मैं अपना एक भी वीडियो इसको नहीं दूंगी व्लॉग के लिए, वो तो मुझे याद आ गया वरना बनता भी नहीं। नीचे का कैमरा गंदा है। आंटी और मैं आज दिन भर दोनों बच्चों के साथ सेट पे रही और नाजनीन दिन भर सोती रही वैरायटी में, क्योंकि ये सोने के लिए ही आई थी और बोली विभा तुम बच्चों का ध्यान रखो। सुन भी रही, वो क्या बोल रही है आपके बारे में? क्या बोल रही? मैं दिन भर सेट पर रही और सोती रही दिन भर सोने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो सो लो, क्योंकि इसको चक्कर ना आ जाए तो मुझे लात के ले जाना पड़ता और मेरा इंतजार करेंगे। तो दिस वन आशु, बताओ कौन सा जूस? भैया मैं जूस पीऊंगा, कौन सा जूस? वाटरमेलन। और मैं कुछ खाऊंगी? क्या खाऊं? आप बता दो। हाँ चिकन बर्गर सर, कोई साथ देगा? ये तुमको अकेले को खाना है, फ्रेंच फ्राइज। हम जब तक कोरोना वायरल है तब तक। और जूस कोल वाटरमेलन। फोटो नहीं खींच रही, मैं बता रही हूँ कि मेरा पेट भर चुका है और अभी आया है, और लेकिन खाना पड़ेगा। इसे कट कर दिया मम्मी, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। बहुत बड़ा है, तुम तो जिंदगी में नहीं खा सकती, मैं ऐसे लिखी थी लिख के दे, जिंदगी में नहीं खा सकती मैं, और लिखत भी दे रही हैं, क्या बात है। अंडा हटाइए, बाय बाय। ए खाने वाली हूँ मैं वो, ठीक। अब देखो जब जब तुम अंडा खाओगे तुमको तुम्हारी यही याद आएगी। अरे सिद्धार्थ स्टॉप इट, मैं खाने वाली हूँ। अंडा थोड़ी गए। सिद्धार्थ ने मुझे बहुत बुरी तरह डराया अभी, मैंने बोला था कि हम कल किसी और होटल में थे और वो हॉन्टेड था, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई। जिस होटल हम रुके वो कम हॉन्टेड है, लाइट जा रही है, आ रही है, दरवाजे में आवाज आ रही है, ये बहुत बुरा है। मैं ऑलरेडी डरी थी, ये पूरे रास्ते मुझे डराते हुए आया है। चुप रहो, तुम ही भूत हो यहाँ पे सबसे बड़े। तो बात ठीक है, लेकिन रियल भूत है मेरे घर में, वाकई लाइट गई थी। अरे गई पागल, चुप कर डराओ मत। लाइट गई थी, जैसे लाइट गई ना, जैसे गाड़ी की स्किड की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आई। ये बाहर से ना हैंडल ऐसे ऐसे कर रहा था ताकि मुझे लगे भूत है। हाँ। मैं वॉशरूम गई थी तो हैंडल ऐसे ऐसे कर रहा है। और बटर नान कौन? तुमको पूछ रही हूँ। मैं दाल और बटर नान खाऊंगा, तुमको पूछ रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। एनीवे रात को अगर मुझे नींद नहीं आई तो उसका जिम्मेदार सुबह से सुधार कर। मैं तो सो जाऊंगा,
देखेंगे बेटा कौन सोएगा इतना डराने के बाद कौन सोएगा। क्या पी रही है? हाँ तो सिद्धार्थ जब मुंबई शिफ्ट हुआ था उसका जो पहला घर था, सबसे पहला घर, उसके एक रूम में भूत था और हम लोग वहीं पर जाके रात को वीडियोस बनाते थे और वो भी भूत की बनाते थे। और एक बार वीडियो बनाने के लिए सिद्धार्थ याद है क्या हुआ था? तुम्हारे मामा आए थे ना और पूरे पर्दे और वही रूम में गए थे हम लोग, एक ग्रुप का दरवाजा। तब हम लोग मजाक में ले रहे थे और हम वीडियो भी हॉन्टेड शूट कर रहे हैं लाइट वाइट ऑफ करके। एक बार मैं बैठा हुआ था और मूवी देख रहा था अकेला था घर पे और मैं ऐसे बैठा था, मैंने यहाँ से पास किया प्रॉपर पास किया था, अब चलने घर छोड़ दिया। बस अब और ये सब बात नहीं करेंगे गाइस। हाय, तो आज सेकंड डे शूट का और हम अभी वीडियोस बना रहे थे थोड़े इंस्टा के लिए और बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए क्योंकि सबको बताना पड़ रहा है कि भाई आपको कैसे शूट करना है क्या करना है। तो एक एक वीडियो के लिए हमें 20-25 मिनट जा रहा है लाइक सीरियसली, और सेट में बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता बनाने का। तो मेरे मुँह में अल्सर हो गया तो मैं क्लियर बात नहीं कर पा रहा, सॉरी। अरे वाह, हाय गुड मॉर्निंग, इट्स माय ब्लॉग, इज दिस यू? नो, शी लुक्स लाइक मी। अरे बैठो 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 बैठो, थोड़ा 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 पहली बस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी पेंटिंग देख के, पूछने से पहले बोल दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। वी हैवंट स्टार्टेड शूटिंग येट एंड सी द बॉयज टेक। किसके कितने बॉल्स गए? हाँ एक भी बॉल गया नहीं, बड़े बड़े प्लेयर अभी तो बोला सिद्धार्थ के गया बॉल। अच्छा अब भी जस्ट गए बोल, ऐसा ऐसे कितने बार जा चुके हैं? नहीं पर मुझे एक बार सिद्धार्थ इसका डर है, ये लो डंडे मारने सीधा, इसको बताओ ना कैसे मारना है। यार वीडियो बनेगी तो और ही ज्यादा बोल जाएगी। देखो ये देखो, अरे देखो ये देखो, मेरा प्रूफ है जिसने वो देखो ये देखो। थैंक यू थैंक यू। वाह सिद्धार्थ, वाह क्या बात है, हिडन टैलेंट आप सबके सामने आ चुके हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? शिट क्या कोई नहीं, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने पेंटिंग। कितना टाइम लगा? दो दिन नहीं सॉरी दो मिनट। क्या चलो गाओ, हाँ घर में उसको अपने लाना चाहता, तोड़ दी वो वास्ते, फिर थी अपने रास्ते, रास्ते भी कुछ निभागी, फिर थी अपने वास्ते, बेरुखी बेपना बेवजह बेरुखे बेगुना बे इंतहा, वो बेरुखी सी लगती मुझको, बेपना सा लगता मुझको, बेवजह सा लगता ये जगह है, मुझको ना बुलाती थी
मन मुड़ गया वो साथ जुड़ गया मैं भटका इतने वक्त मुझको साथ मिल गया एक ही रात मिल गया मैं भटका इतने वक्त मुझको साथ मिल गया वो टुकड़े से बोलिए क्या करके आ रही है। हम दोनों का टिकटॉक बनाया और हम वन टेक देके आए हैं। एक आर्टिस्ट है हमने एक ही टेक में दिया इतना अच्छा वीडियो बना के समझो इसलिए इतने अच्छे बच्चे हैं एक्टर जो माय वन टेकर नाम है। वाओ सीखो सीखो हम लोग बहुत रीटेक देते हैं। यहाँ बैठ के टिकटॉक देख रहा है क्या देख रहा है ये वही देख रहा है जिसने अभी वीडियो डाली है। दिखाओ चलो क्या डाला तुमने। वन टेक देके आए हम लोग। वन टेक हां वन टेक जनरेशन मेरा ब्लॉग ऑफ दिस है। कोफ्ता भी है और चिकन भी है। बैठो 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 ये माइक रोकिए भाई जय बोले आ गया रोटी ना किसी को उस पे रख लो रोटी वाले को रोटी का शोर होने जा रहा है तेरे यार रोटी भाई शॉर्ट रेडी प्लीज जल्दी करिए बता दो मेन्यू बोला इतना हम आपको दाल मखनी बटर पनीर मटर मसाला चिकन फ्राई दाल मखनी कोफ्ते पनीर भुर्जी राइस चिकन और क्या क्या भाई पनीर चिकन कढ़ाई चिकन सैलड भी रहते के साथ आपका शॉर्ट आपके आर्टिस्ट रेडी है साथ में ले जा सकते हैं बालकनी से करेंगे हेलो हेलो मैं ऐसे वाला हेलो दूंगी। शूटिंग नाउ ये मेरे घर की बालकनी है एंड हाँ जी हाँ आपका क्लोजअप शॉट है सारा ओके क्या करेंगे लुक तो लुक गया आपका फिर हेडफोन उतारे हेलो दादा बारिश हो गई दिक्कत हो गई शूट में नहीं अच्छा बहुत ठंडी हो गई बारिश हो गई सडनली और हमने आधे घंटे में निकलना है एयरपोर्ट के लिए वरना हमारी फ्लाइट छूट सकती है और मौसम बहुत ख़राब है तो मुझे टर्बुलेंस का बहुत बहुत टेंशन हो रहा है और बस क्या हुआ कुछ नहीं ये अपने फ़ोन में एकदम अंदर गुजरे हुए सिद्धार्थ जो अपना ब्लॉग बनाना भूल गए कल एक ही वीडियो बनाया सिद्धार्थ तुमने सच में एक ही बनाया तुमने और ये लंदन की टिकट कटाने वाला इंसान अब भी गए अब भी जागे पहली टिकट कटा रहा हूँ यू सेन योर वॉइस चलो चलो ये देखो चलो चलो बचाएंगे यस स्टार्ट करो तुम स्टार्ट करो लंदन में रहती है लाइन का तो क्या लाइन था लाइन का वो लाइन सुनते में आया है लंदन में रहती है अभी के अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूं हां सर ये चलो चलो हां गुरेंद्र बाबा को भी ले लो चलो शॉट टेक करो आओ हाय 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 गुरेंद्र बाबा को अगर हमारी फ्लाइट छूटी तो क्या होगा कुछ नहीं होगा रुक मैं नाक लगा दूंगा मोहन के साथ करो बाय बाय वी गोइंग बाय 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 मम्मा बाय मम्मा बाय बेटा हाँ मुझे छोड़ के थोड़ी जा रही मैं भी चल रही हूँ फोटो सेशन होता है भाई आप अपने मास्क के साथ फेमस हो चुकी हैं कोई मतलब नहीं मास्क लगाने का हाय वाह हंसी का मतलब कुछ बोलेंगी हाय कर रही है ये देखो आंटी डोसा लेते हुए दिखाई गई इसलिए नहीं कुछ बोल दी क्योंकि मुझे पता है मैं मास्क के साथ फेमस होगी जैसे कि जन्नत ने कहा अच्छा तुम किसके साथ फेमस हो डबल चिन के साथ अपनी
खुद के टैलेंट के साथ। अरे अरे कैसा हो रहा है ये, क्या हो गया सब ठीक है? She was come to see you. Now come, come. मेरे को ज्वाइन कर ले ऐसे ऐसे सुना जाए जनरल।